शराब फिर एक जिंदगी ले गई और एक परिवार को तबाह कर दिया। गड़ा थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में पत्नी ने तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शराब पीने को लेकर दंपति के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव भिजवाते हुए मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर से कदर खान की रिपोर्ट। मेरी बहन 13-14 साल हो गए थे शादी के, 13-14 साल से परेशान थी, आए दिन दारू पीना, दारू पी के मारना तोड़ना, यही नाटक। और कल रात को भैया पूरा खत्म कर दिए, आग लगा दी। क्या लगता है आपको, किस कारणों से आग लगाई? बस दारू के लिए, गाड़ी नहीं दी, चाबी छोड़ा ली, पैसे नहीं दी। हाँ, अम्मा से उसकी बात हुई 8 बजे। अम्मा को उनने दिन भर की पूरी कहानी बताई कि मेरे दिन में सुबह से पी के आ गए हैं, दिन में मारे तोड़े हैं, और शाम को फिर जब दारू पीने जा रहे थे तब भी उन्होंने मना की। दिन की कहानी तो अम्मा को बता दी, रात को जब वो दारू पीने जा रहे थे तो मोहल्ले वालों ने बताया कि उन्हें चाबी छोड़ा के रख ली। रोज शराब पी के परेशान करना बस डेली का काम था, डेली का काम था। जब आग लगाई थी घटना, हम लोगों को जो सूचना मिली है 9:30 बजे के आसपास की घटना में सूचना है मेरे को, 8:30 से 9:45 की सूचना है, और 9:45 में तो मैं उनके घर ही पहुंच गया था लगभग। बाहर वालों की तरफ से सूचना मिली, यहाँ वालों ने, एक मेरी बच्ची यहाँ रहती है, 1 किलोमीटर में बच्ची रहती है, सबसे पहले महात्म्य किसका मिलता है कि बच्ची को लाना चाहिए था।